दोस्तों पेटीएम अकाउंट कैसे बनाएं, इस टॉपिक पर आप लोगों को बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा यूट्यूब पर, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला पेटीएम अकाउंट कैसे बनाएं, उसके साथ ही 300 रुपये फ्री में कैशबैक कैसे ले पेटीएम एप्लीकेशन से। यहाँ से सबसे पहले आप लोग लाइव प्रूफ देख लो, मैं खुद 300 रुपीज पेटीएम एप्लीकेशन से मुझे मिला कैशबैक। यदि आप लोग भी लेना चाहते हो 300 रुपये फ्री में, तो इस वीडियो को लास्ट तक सही से देख लेना। यदि आप लोग में से जो भी इस वीडियो को सही से लास्ट तक देखते हैं बिना स्किप किए, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से पेटीएम अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और कैसे आप लोगों को कैशबैक लेना है, ये दोनों चीज़ आज की वीडियो में पता चलने वाला है। और हम पैसा को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं पेटीएम से किसी का बैंक अकाउंट में, या फिर किसी का क्यूआर कोड से कैसे पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहां से आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, फ्रेंड्स अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख देना, क्योंकि मैं आप लोग को ऐसे अर्निंग रिलेटेड वीडियो लेके आके देते रहता हूं। उसके बाद आप लोग यहां से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं मेरा वीडियोस को आप फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप लोग को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला आना, यहां पे आपको मिल जाएगा पेटीएम एप्लीकेशन का लिंक, ठीक है। यदि आपको फ्री में 100 रुपये लेना है तभी जाके आप लोग इस लिंक से डाउनलोड करना, ठीक है। यदि आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करते हैं तो वहां से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले आप लोग इस लिंक में क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहां से कुछ सेकंड के लिए वेट करना है हमें। उसके बाद आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा, ठीक है। यहां से आप लोग देख सकते हो ऐसा करके कुछ इंटरफेस आपको शो करेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से आप लोग को कस्टमर नेम डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, उसके बाद नीचे फ़ोन नंबर डाल देना है। ये तीन चीज़ डाल देने के बाद आप लोग को डायरेक्ट लेके चला जाएगा ये प्ले स्टोर में, ठीक है। ये लिंक से आप लोग को प्ले स्टोर में लेके जाएगा, वहीं से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट प्ले स्टोर से करोगे तो कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला आप लोग का। सबसे पहले एप्लीकेशन में जाने के बाद डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हो इस एप्लीकेशन का रेटिंग कितना है, 4.5, 17 मिलियन प्लस रिव्यू है। तो ये बहुत अच्छा खासा एप्लीकेशन है, आप लोगों को तो पता ही होगा, इसका आप लोग एडवर्टाइज कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, ठीक है। फोन पे एप्लीकेशन भी आप लोग यूज कर सकते हैं, वहां से भी आपको 100 रुपये फ्री में मिलने वाला है, नीचे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फोन पे, गूगल पे, इसमें भी यदि आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहां से भी आपको कैशबैक मिल जाएगा। यदि तीनों में अकाउंट क्रिएट कर लिए तो आप लोग 300 रुपये ऐसे ही लेके जा सकते हो फ्री में। तो वो 300 रुपये मैंने कैसे कमाया था इस बात को भी बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। सबसे पहले यहां से एप्लीकेशन हमारा अभी डाउनलोड हो चुका और इंस्टॉल भी हो गया है, ठीक है। इसे ओपन करके आपको दिखाता हूं कैसे हमें बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा और कैसे हमें यूपीआई पिन को क्रिएट करना है और कैसे पेमेंट करना पड़ेगा, सारा चीज डिस्कस करने वाला, ठीक है। पेटीएम अकाउंट कैसे बनाएं, सिंपली आप लोग को ओपन में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है उसके बाद आप लोग के सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो करने वाला है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहां से आप लोग अपना फोन नंबर डाल देना, जैसे एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा फोन नंबर डालने के बाद एक ओटीपी आएगा, उसे यहां से डाल देना, ठीक है। फोन नंबर वही डालना जो भी आप लोग का बैंक अकाउंट से लिंक है, कोई दूसरा फोन नंबर मत डाल देना, बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट से लिंक है तो उसी का फोन नंबर आप लोग यहां पर डाल देना। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, नंबर डाल दोगे, उसके बाद आप लोग के सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो करेगा पेटीएम एप्लीकेशन का। यहां से आप लोग के सामने आ जाएगा यूपीआई मनी ट्रांसफर। तो यहां से सबसे पहला स्टेप हम लोग का होगा कि अपना बैंक अकाउंट को ऐड करना। उसके लिए आप लोग को प्रोफाइल का सेक्शन में जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड के सबसे टॉप में आपको दिखाई मिलेगा प्रोफाइल का सेक्शन, ठीक है। उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, वहीं से हम अपना बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं, ठीक है। चलो मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूं, तभी जाके आप लोग यहां से पैसा को ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे आप लोग प्रोफाइल का सेक्शन में आए जाएंगे, उसके बाद यहां से आपके सामने स्कैनर चलाएगा, ठीक है। ये स्कैनर किस लिए है ये भी बताऊंगा, सिंपली आप लोग को यदि पेमेंट रिसीव करना हो तो ये स्कैनर यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले यहां पे आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंक बैंक अकाउंट, यहां से देख सकते हो, उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, ब्लू कलर का टेक्स्ट कलर में लिखा होगा उसमें आपको क्लिक कर देना। फिर यहां से आप लोगों का जो भी बैंक अकाउंट पहले से ऐड है तो यहां से बैंक अकाउंट शो कर देगा। यदि आप लोगों के पास बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो नीचे में ऐड अनदर बैंक अकाउंट का ऐसा ऑप्शन शो करेगा, इसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। ऐड अनदर बैंक अकाउंट, या फिर आप लोग नया यूजर से तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा ऐड बैंक अकाउंट, ऐसे करके ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। तो यहां से जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, फिर यहां से आप लोग को सिंपली अपना बैंक अकाउंट डाल देना है और आप लोग का बैंक अकाउंट का नाम क्या है, जैसे स्टेट बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। यहां से आप लोग नीचे आएंगे तो सारा बैंक का डिटेल्स आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग जाके सर्च कर सकते हो, सर्च बार में चला जाना, यहाँ से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट बैंक का नाम डाल देना, ठीक है। जैसे मैं फेडरल बैंक है मेरा, तो मैं यहाँ से फेडरल बैंक लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ से मेरा चला आया, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा एक बार। फिर आप लोग का बैंक वेरीफाई करेगा, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उससे एक ओटीपी आएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे सब काम हो जाता है, यदि आप लोग का बैंक को बस सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ से ओटीपी आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, फिर आप लोग का यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद यहाँ से आप लोग के सामने एक शो करेगा कि क्रिएट यूपीआई पिन, ठीक है। मेरा पास तो अभी फिलहाल पहले से बैंक अकाउंट एडेड है, तो यहाँ से चेंज पिन का ऑप्शन आ रहा है, हम इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आधार कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे चेंज या फिर क्रिएट करने के लिए। नया पिन यहीं से क्रिएट हो जाएगा, सॉरी नया यूपीआई पिन यहीं से क्रिएट हो जाता है। आप लोग डेबिट कार्ड में चला जाना, उसका 6 डिजिट लास्ट 6 डिजिट डाल देना, उसके बाद सीवीवी नंबर डालना पड़ता है और एक्सपायरी डेट डालना पड़ता है। ये तीन चीज डालने के बाद आप लोग प्रोसीड में क्लिक कर देना, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग का यहाँ से क्या होगा, नया यूपीआई पिन क्रिएट हो जाएगा। दो बार आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा, तब जाके आप लोग का कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर हम जैसे ही अपना यूपीआई पिन क्रिएट कर ली है, उसके बाद हमें किसी को भी पेमेंट करने के लिए यहाँ से आप लोग देख सकते हो टू बैंक अकाउंट और सेल्फ अकाउंट, इसमें आपको क्लिक कर देना है। यदि डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करना है तो यहीं से आपको क्लिक करके टू द बैंक अकाउंट में आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ऊपर में आप लोग देख सकते हैं एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स, इसमें बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालना पड़ता है
और नीचे में यदि आप लोग को डायरेक्ट नंबर है किसी का, नंबर में पैसा भेजना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी में भी भेजना है, तो नीचे वाला में ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो यहाँ से फोन नंबर पे भेजना चाहता हूँ, तो इसमें आपको सेंड मनी टू यूपीआई एप्स, इसमें आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहीं से आप लोग को नंबर सीधा डाल देना है। नंबर डालने के बाद उसका डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, और ऊपर में है एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स, किसी का बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पे करना है, तब जाके आप लोग ऊपर वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे में जिसका अकाउंट में भी पैसा भेजना है उसका बैंक का नाम क्या है उसमें क्लिक करना, उसके बाद उसका अकाउंट नंबर डाल देना, आईएफएससी कोड डाल देना। इतना चीज़ डालने के बाद आप लोग यहाँ से कन्फर्म कर लेना, फिर आप लोग यहाँ से पे कर पाओगे। जैसे आप लोग का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आप लोग के सामने ऐसा कुछ मैसेज शो कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ से देख सकते हो प्रोसेसिंग में चल रहा है पेमेंट, और यहाँ से मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। मैंने आप लोग के सामने पेमेंट ट्रांसफर करके दिखा दिया कैसे आप लोग पेटीएम एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और साथ में पेटीएम एप्लीकेशन से कैसे किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ये दोनों चीज़ आपको पता चल गया होगा। तो अभी यहाँ से बात आता है कि कैसे हम 300 रुपये कैशबैक ले। सिंपली आप लोग को यहाँ क्या करना है, सिंपली आपको नीचे आने कैशबैक एंड ऑफर्स का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग को इसमें क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। डील्स एंड कैशबैक उसके नीचे में ही होगा, जस्ट कैशबैक एंड ऑफर्स। इसमें जाने के बाद आप लोग को सारा डिटेल्स खुल के आ जाएगा, मेरे पास कितना कैशबैक है अभी आप लोग यहाँ से लाइव प्रूफ देख सकते हैं। इतना सारा पैसा मैंने बिना इन्वेस्टमेंट का कमाया। सिंपली आप लोग को क्या करना है, आप लोग रेफर एंड अर्न कर सकते हो पेटीएम एप्लीकेशन का। यदि आप लोग किसी को भी रेफर करते हो तो वहाँ से आप लोगों को कैशबैक मिलने वाला है। कभी कभी 100 रुपया भी देता है, और कभी कभी 300 रुपया भी मिल जाता है, ठीक है। अभी आपको सबसे पहले मैंने दिखाया था, जैसे वीडियो का स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि 300 रुपया मिला, वो मुझे इसी तरीके से मिला था, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ से क्या कर सकते हो, आप किसी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, किसी को भी शेयर करो लिंक। लिंक शेयर करने के बाद यहाँ से आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ये आपका पैसिव इनकम हो जाएगा। और वीडियो में बने रहो, आगे मैं एक और एप्लीकेशन देने वाला हूँ आप लोग को, यदि फोन पे, ये तो पेटीएम एप्लीकेशन से आप लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, प्लस पेटीएम एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे क्रिएट करिए, सारी चीज़ तो आपको पता चल ही गया होगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो ही गया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब बात आता है कि कैसे हम इस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपली आप लोग ट्रांसफर करने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू। ये ऑटो पेमेंट हो जाता है, तो आप लोग को कोई जरूरत नहीं है ट्रांसफर करने का। उसके बाद आप लोग को यहाँ से बहुत सारा स्क्रैच कार्ड भी मिलता है, स्क्रैच कार्ड मतलब बहुत सारा ऑफर्स रहता है। यदि आप लोग को कुछ शॉपिंग करना है तो वहीं पर ऑफर्स मिल जाता है, कैशबैक का सेक्शन में चला जाना, वहाँ पर कूपन्स का सेक्शन में चला जाना, बहुत सारा कूपन्स मिल जाएगा यदि आप लोग किसी को रेफर कर दे। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया पेटीएम एप्लीकेशन से, रेफर एंड अर्न करके पैसा कमा सकते हो, प्लस आप लोग यहाँ से कैशबैक ले सकते हो, प्लस आप लोग स्क्रैच कार्ड ले सकते हो, शॉपिंग करने के लिए आपका काम आ जाएगा। वीडियो में बने रहो, आगे मैं एक ऐसा एप्लीकेशन देने वाला हूँ अभी आप लोग को, यदि वो उस एप्लीकेशन में यदि 1 रुपया बस इन्वेस्ट करना है आप लोग को, 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा 100 रुपये लगभग मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से सबसे पहले पेमेंट प्रूफ देख लो, यहाँ से मैं खुद नवी एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ। यदि आप लोग को, यदि मेरा चैनल आप लोग फॉलो करते होंगे तो यहाँ से आपको भी पता होगा कि कैसे नवी एप्लीकेशन से पैसा कमा सकते हैं, मैंने इसका ऊपर डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हो क्रिएट योर अकाउंट विन अप टू 250 रुपया आप लोग को यहाँ से दिया जा रहा है। सिंपली आप लोग को अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो वहाँ से 1 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदना पड़ेगा, ठीक है। डिजिटल गोल्ड सोना खरीदना पड़ता है 1 रुपये का, उसके लिए बस आपको पास पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होगा आप लोग यहाँ से डिजिटल गोल्ड खरीद लो, उसके बाद आप लोग को 100 रुपये का कैशबैक इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा।